अमीरों और गरीबों के बीच की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 8 लोगों के पास है। यह जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में ऑक्सफैम ने दी है। ऑक्सफैम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के 360 करोड़ गरीबों की संपत्ति के बराबर की संपत्ति अमेरिका के 6, स्पेन और मेक्सिको के एक उद्योगपति के पास है। ऑक्सफैम के मुताबिक 2010 में 43 लोगों के पास दुनिया के आधे लोगों के बराबर संपत्ति हुआ करती थी। वहीं जिन उद्योगपतियों का जिक्र इस लिस्ट में किया गया है, उनका चयन फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची से किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुगरबर्ग और अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस शामिल है। बिल गेट्स करीब 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष पर है। उनके बाद अमानसियो ओर्टेगा के पास करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनके बाद वॉरेन बफेट करीब 4.14 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं चौथे नंबर पर 3.6 लाख करोड़ के साथ मैक्सिकन कारोबारी कार्लोस स्लिम है। पांचवें स्थान पर जेफ बेजोस हैं, इनके पास 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके बाद फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुगरबर्ग 2.95 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ छठे स्थान पर हैं। लैरी एलिसन 2.9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सातवें और माइकल ब्लूमबर्ग 2.7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर हैं। तो ये वो 8 नाम हैं जिनके पास दुनिया की आधी आबादी के बराबर संपत्ति है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है और ये भी कहा है कि अगर अमीरी और गरीबी की इस खाई को जल्द दूर नहीं किया गया तो समाज में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।